पहचानो कौन? पहचानो ना, हाथ हटाओ बदतमीज। शेखर तुम, ये क्या बदतमीजी थी? तुम अभी जाओ यहाँ से। हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं और तुम हमें भगा रही हो। तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में मिलेंगे। पर हम तुमसे मिलने आए हैं, ऐसे क्यों भेज रही हो? बेबी कौन है ये और यहाँ क्या कर रहा है? बेबी कौन है ये? अबे तू कौन होता है मेरे से पूछने वाला? कौन है ये जो मुझसे ऐसे पूछ रहा है? बेबी वो बस ये मेरे घर का नौकर है, इसे कुछ पैसों की जरूरत थी तो इसलिए बस बात करने आया। अच्छा नौकर है, चलो कोई नहीं भैया, कोई दिक्कत हो तो बताना, 5-10 हजार की मदद तो हम कभी भी कर देंगे। मैं सब साइड में जाके बात करती हूँ। ठीक है, तमीज है यार ये। हाथ छोड़ो हमारा, हमें वो बताओ कौन है वो लड़का? तुम तो हमें अपना बॉयफ्रेंड कहती थी ना, और फिर उससे प्यार करती हो। शिखर प्लीज एक बार मेरी बात सुनो आराम से। अरे कुछ नहीं सुनना है हमको, एक तो धोखा देती हो, ऊपर से हमें बहलाने की कोशिश कर रही हो। तू अपनी हालत देख, कोई तेरे जैसे को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाता है क्या? वो तो मैंने तेरे को अपने साथ में इसलिए रखा हुआ था ताकि तू मेरे खर्चे उठा सके। अब मुझे नया बकरा मिल गया तो मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। अच्छा अब हमारी समझ में आया, तुमने ये सब कुछ पैसे के लिए किया। अरे तुम्हें पैसा चाहिए होता तो हमसे कहती ना, हम देते तुमको पैसा। पर नहीं, तुम्हें तो हमारे दिल के साथ खेलना था, हमारे जज्बातों के साथ खेलना था। पर जो कुछ भी तुम की ना, अच्छा नहीं की, समझी तुम? और एक बात ध्यान रखना आयुषी, सच्चा प्यार ना किस्मत से मिलता है, और अफसोस तुम सच्चा प्यार खो दियो। मुझे मत बता क्या अच्छा करे क्या बुरा करे, यहाँ से चला जा वरना उसे बता दूंगा। तो वो तेरा ऐसा हाल करेगा ना कि ये जो कपड़े बचे ये भी नजर नहीं आएंगे। अरे प्लीज माइंड मत करना, वो थोड़ा बदतमीज किस्म का है। अरे कोई नहीं, वैसे भी ऐसे लोग तो होते ही बदतमीज है। आओ बैठो। अरे शेखर आ गया तू, मिल गया अपनी गर्लफ्रेंड से? यार कभी हमें भी मिलवा दे अपनी गर्लफ्रेंड से, कब तक छुपा के रखेगा? अबे बोल ना क्या हुआ? हम उससे मिलने गए थे और उसने क्या किया, हमें धोखा दिया। हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, खुद से ज्यादा प्यार किया उसे, पर वो तो धोखेबाज निकली। तुम्हें पता है उसने बॉयफ्रेंड बना लिया है और बोलती है कि हम उसके लायक नहीं है, हमें कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, हमारे जैसे लड़के के साथ भला वो कैसे रह सकती है? बताओ यार कितनी खुदगर्ज निकली वो, जब उसे हमारी जरूरत थी तो हम हमेशा उसके लिए खड़े हुए, और आज वो कहती है कि हम उसके लायक नहीं है। मयंक भैया एक बात तो समझ में आ गई कि दुनिया में बहुत खुदगर्ज लोग हैं, और वो भी ऐसी है। खैर कोई बात नहीं, दुनिया का उसूल है ऐसा, दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, वो बुरी है बहुत। अब तो हमें उसकी शक्ल तक देखने का मन नहीं है, और टूट गए हैं भाई आज। यार ये तो बहुत बुरा हुआ, तूने उसे बताया नहीं क्या कि तू उसे सरप्राइज देने जा रहा है? तूने उसके लिए उसके बर्थडे पे एक फ्लैट बुक किया है। नहीं यार हमने उसे नहीं बताया। सही किया तूने नहीं बताया, अगर तू उसे बता देता ना तो उसका असली चेहरा सामने नहीं आता। पर यार हम तो उससे प्यार करते थे ना, हमने उसकी हर ख्वाहिश पूरी करी है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। तू उदास मत हो मेरे भाई, तू ये समझ कि तू अभी बच गया, क्योंकि उस लड़की को ना तेरे से प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तेरे पैसों से प्यार था। अगर उसे हमसे प्यार नहीं था तो हमें पहले बता देती ना, ना हमें उम्मीदें होती, ना हमारा दिल टूटता। अबे छोड़ यार ये सब बातें, अब उसकी बात मत कर, तू ये बता फ्लैट का क्या करना है? फ्लैट का क्या करना है, बेच देंगे उसे, क्योंकि अब हम उसकी एक भी याद अपने साथ नहीं रखना चाहते। भाई एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर ना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोकेशन की जरूरत तो पड़ेगी, तो क्यों ना तू अपना फ्लैट मुझे दे दे। फ्लैट बेशक ले लीजिए आप, लेकिन हम भी कह दे रहे हैं आज के बाद उस फ्लैट पे कभी नहीं जाएंगे। हाँ तो भाई तू मत जाइए ना फ्लैट पे, तू ऑफिस का काम देख लियो, बाकी बाहर का जो भी फील्ड का काम होगा वो मैं और मेरे एम्प्लॉयज मिलकर देख लेंगे। ठीक है भैया जैसा तुम्हें सही लगे।
अबे भाई तू टेंशन मत ले, छोड़ वो सब, मैं तेरे लिए एक नंबर की कड़क चाय बना के लाता हूँ, तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है? यस सर, आपने बुलाया मुझे। हाँ, वो जो फ्लैट की फाइल मैंने तुम्हें दी थी वो कंप्लीट हो गई? हाँ हाँ सर, मैं उस प्रोजेक्ट को कैसे भूल सकती हूँ, वो घर तो इतना सुंदर है, उसका इंटीरियर इतना प्यारा है। सर इतना आलीशान फ्लैट तो हमारे पूरे शहर में नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ क्या वो आपका है? नहीं आयुषी, वो फ्लैट मेरा नहीं है, वो फ्लैट मेरे फ्रेंड का है, वो फ्लैट उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए रखा था, बट अब हम वहाँ पे अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। सर आपकी बातों से तो लग रहा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, तो उन्होंने वो फ्लैट उन्हें गिफ्ट क्यों नहीं करा? नहीं, वो फ्लैट उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं दिया, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही थी, वो डबल डेट कर रही थी और उसे वो सब पता लग गया था, तो इसलिए अब हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों मिलके उस फ्लैट पे न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सर ये तो बहुत गलत हुआ। अरे तुम वो सब छोड़ो, वो उनका पर्सनल मैटर है, तुम एक काम करना, कल जाकर मेरे फ्रेंड से फ्लैट की चाबी ले लेना और बाकी का जो बचा काम है वो कंप्लीट करवा देना। ओके सर। ओके, थैंक यू। शेखर तू यहाँ? कहीं मैं तेरे को छोड़ ही गई तो तू रोड पे तो नहीं आ गया? यहाँ काम वाम मांगने आया हूँ। खैर ये सब छोड़, बाकी तेरे सांप के कोई फ्रेंड आए होंगे प्लीज वो बता देता है। सर का दोस्त? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वही जिनके साथ वो ये वाला यहाँ पे कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा वो तो हम ही है। यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? तूने शक्ल देखी अपनी, तू और उनका फ्रेंड, वो करोड़पति है और तू अब रोड़पति है, तभी तो मैंने तुझे छोड़ दिया। अरे आयुषी, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। शेखर एक काम कर, आयुषी को फ्लैट की चाबी दे दे, ये मेरे यहाँ काम करती है, एम्प्लॉय है मेरी। अच्छा हुआ आयुषी तुम हमें सही टाइम पर छोड़ दी, क्योंकि हम रोड़पति है ना, तो बढ़िया डिसीजन था तुम्हारा, पसंद आया हमें बहुत ज्यादा। हाँ शेखर, तुमने वो फ्लैट मेरे लिए लिया था, भूल जाओ ना जो कुछ भी हुआ, और कपल्स में तो लड़ाइयाँ होती रहती है ना। आयुषी ड्रामेबाजी बंद कीजिए आप, आप क्या हमें बेवकूफ समझती हैं? अरे आपकी बातों में हम पहले आ चुके हैं और हमें पता है कि आप कितने सीधे और सज्जन टाइप के हैं। अरे बहुत भरोसा किए थे तुम पे, लेकिन तुमने क्या किया, हमारा ही भरोसा तोड़ दिया। आयुषी तुम बिल्कुल सही बोली, कपल्स में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन लड़ाई और धोखे में ना बहुत अंतर होता है, जो तुमने किया वो धोखा था। अरे बहुत भरोसा करते थे तुम पे। आयुषी तुम जानती हो जो इंसान की जिंदगी है ना, इसमें लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है। इंसान के पास बेशक बहुत पैसा हो, बट उसके पास अगर अच्छा लाइफ पार्टनर ना हो ना, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि क्या है ना, कई बार जब इंसान थक हार के आता है तो उसे जरूरत होती है एक ऐसे साथी की जो उसका सपोर्ट सिस्टम बने, उसके साथ खड़ा रहे, जब वो टूट जाए ना तो उसकी हिम्मत बढ़ाए। और अफसोस इस मामले में तुम बहुत ज्यादा अनलकी रही जो तुमने हमें छोड़ दिया। अरे सोचो ना, जो इंसान खुद की जिंदगी पर ध्यान ना देके पूरा ध्यान तुम्हारे पे दे जाता, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता, तुम्हें कैसे रानियों की तरह रखता। लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी नीयत साफ होती है तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है, और इसी वजह से सही वक्त पर हमें तुम्हारी सच्चाई पता लग गई, और बेशक हमारा भरोसे पे से भरोसा उठा, लेकिन हमें अक्ल भी आ गई कि कभी भी किसी पर अंधा भरोसा मत करो, और कभी अपने आप को किसी के लिए इतना भी ना बदल दो कि आपके आत्मसम्मान पर सवाल उठने शुरू हो जाएं। आयुषी सच कहूं ना, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बहुत चालाक हो, सच कहूं तो तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि तुमने वो चीज खोई है जो इंसान को बड़ी किस्मत से मिलती है। तुम्हें पता आयुषी, बहुत लोग ना तरस जाते हैं अच्छे पार्टनर के लिए, बड़ी किस्मत से मिलता है अच्छा और लॉयल पार्टनर। मुझे पता नहीं कि तुम्हारे पास शक्ल से एक अच्छा इंसान या अच्छा पार्टनर था या नहीं, लेकिन जो तुम्हारा पार्टनर था ना, वो बहुत लॉयल था, तुम्हारे लिए खुद को भी गिरवी रख सकता था। खैर कहते हैं ना, कई लोगों को
अच्छी चीज की कीमत का अंदाजा ही नहीं होता या परख ही नहीं होती। ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ। खैर अब हम तुमसे क्यों ही इतनी बात कर रहे हैं, अब तो हम तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। सॉरी शेखर, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। जो तुमने मेरे दोस्त के साथ किया है ना, उस गलती की कोई माफी नहीं है। और तुम्हारी ये हरकत देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी कंपनी में एडजस्ट हो पाओगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी कंपनी से निकल जाओ। तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज की मेरी कंपनी को कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? अब तुम यहां से जा सकती हो। अरे सर, हम सो सॉरी, पर बोला ना, जस्ट गो। शेखर प्लीज तुम तो मुझे माफ कर दो। अरे आयुषी, हम तुम्हें माफ कर देते पर क्या करें, हमारी जिंदगी का एक उसूल है, हम धोखे को कभी मौका नहीं देते। इसलिए जाइए आप, अब ऐसे खड़ी क्या है, जाइए ना। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या प्यार में भरोसा जरूरी है। मेरे हिसाब से तो प्यार में भरोसा जरूरी है। आप लोग अपनी राय दें कि आप लोगों को क्या लगता है कि प्यार में भरोसा जरूरी है या नहीं। बेसिकली ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। इसमें हमने देखा कि रिश्तों में भरोसा होना कितना जरूरी है और इंसान की जिंदगी में एक अच्छे लाइफ पार्टनर का होना कितना जरूरी है। और ये चीज भी हमने देखी कि कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें और हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखें। एक हद तक रिश्तों को निभाना जरूरी है, लेकिन अगर आपके आत्मसम्मान पे बात आ जाए तो फिर रिश्तों से दूर हो जाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ खास लगा वीडियो में। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।